हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैम छो, कैसे हो आप लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं और अभी हम लोग आज चगाने वाले हैं बाज की पतंग, वो भी हमारे बरेली मांझे पे। तो आज का मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये पतंग को कैसे ज्वाइंट करके बनाया जाता है और उसके बाद हम इसका रिव्यू भी लेंगे कि ये पतंग कैसी है। और उसके साथ हमारे पास इस बार बरेली का मांझा तो रेडी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी ईगल पतंग, तो उसको सबसे पहले ये ऐसे ही आते हैं, इसको हम खोलेंगे ना, उसके बाद बड़ी होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ओपन कर देते हैं, तो ये आ चुकी है गाड़ी। तो इसके साथ एक आया क्लिप है इसकी, और इसके साथ ये एक स्टिक, ये दूसरी, और यहाँ पे और एक भी है। ये हमारा बाज हो चुका है रेडी। तो अब हम पहले से यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, इस साइड आएगा और ये जो दूसरी है वो इस साइड से हम पहले यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, और ये भी यहाँ पे। और ये भी लग चुकी है, तो अब ये पतंग रेडी हो चुकी है। ये पतंग के लिए आपको बहुत सारा पवन की ज़रूरत होगी। मैं ये कब से ट्राई करा लेकिन पवन नहीं था, इसलिए हुआ नहीं। इसलिए इसके लिए आपको अगर पवन अच्छा हो तभी ये पतंग चलेगी, वरना नहीं चलेगी। पतंग कट गई, उसमें क्या था कि इसके अंदर से ना, पतंग के अंदर से एक दोरा निकला, तो मुझे लगा कि ये दोरा बहुत ही ताकतवर होगा और सबकी काट देगा, इसलिए मैंने इससे चगाई, लेकिन इसमें हमारी कट गई। कोई बात नहीं, तो हमारी पतंग कट गई है। बहुत ही मस्त पतंग है ये, बाज वाली पतंग आप लेते हो ना, बहुत ही मस्त है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसको आपको चगाना ना, तो आपको बहुत ज्यादा पवन चाहिए, कम पवन में आपकी नहीं चगेगी। हमने बहुत वेट किया था, उसके बाद पतंग जब फुल पवन आया ना तब सीधी चली गई, लेकिन उसके बाद हमने ये जो दोरा यूज किया था ना कुछ,
तो इसकी वजह से तुरंत कट ही गई। कोई बात नहीं, कल हम फिर से, नहीं हाँ उत्तरायण के दिन, हाँ कल ही, कल ही, कल ही हम एक फिर से चगाएंगे, वो भी हमारे दो या दो मांझे पे चगाएंगे, बरेली और दूसरा दो और एक ऐसे एक और मैं पतंग लाया हूँ, तो वो भी हम कल चगाएंगे हमारे बरेली मांझे पे, उसमें हम सबकी काटेंगे। तो कोई बात नहीं, इसके साथ हमारा आज का व्लॉग भी एंड होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल एक नए व्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक बाय बाय, अलविदा।